बात करें, बहुत सिस्टमेटिक बात करें, तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 19वीं सदी में आजाद हुए देश, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुए। तो सर, इन तीनों देशों में क्या गलत रहा, क्या सही रहा, या क्या सेम रहा? अगर अपन बात करें तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, इन तीन देशों को समझना इसीलिए जरूरी है मेरे बच्चों, क्योंकि एक तो ये तीनों देश एशिया महाद्वीप के, मतलब अपन एशिया के सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट के पार्ट, ठीक है सर? इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ये एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े देश थे। और उसके बाद ये तो 1947, ये 1947, और ये एक प्रकार से जब 1907 में आजाद हुआ, तो ऑलमोस्ट 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 सेम टाइम पे आजाद हुए, सेम टाइम पे आजाद हुए तीनों देशों ने। सबसे पहली बात थी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल उठा। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या? ऐसा नहीं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऐसा नहीं कि स्टेट इकोनॉमी, और ऐसा नहीं कि फ्री मार्केट। मतलब इसने क्या करा, प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक को साथ में को एग्जिस्टेंस वाला माहौल चलाया, ठीक है सर? ये इन तीनों की एक अच्छी बात थी कि इन तीनों ने ही मिक्स इकोनॉमी का मॉडल चलाया। सिग्निफिकेंस के बारे में बात करी, उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो ऐसा क्या हुआ, लेकिन अगर अपन बात करें, तीनों ही इकोनॉमी हैव हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर फॉर दी को पब्लिक सेक्टर फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ये पहले अंग्रेजों के अंदर और चाइना किसी चीज के और के अंदर गुलाम थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी बनाना था। तो क्या ये तीनों ही इकोनॉमी इनिशियली, जैसे अपनी इंडिया भी थी, तो क्या वो इनिशियली इनिशियली क्या पब्लिक सेक्टर पे रिलाय रही? हाँ यार बेटा, इनिशियली तो वो पब्लिक सेक्टर पे ही रिलाय रही, अगर मैं आपको बात करूं। और अगर बात करें, थ्री इकोनॉमिक्स आर इनवर्ड लुकिंग, तीनों ने जैसे आजादी मिली, तीनों ने ही इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी फॉलो करी। सर, इनवर्ड लुकिंग का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। तीनों ही कंट्री ने सोचा कि हम बाहर से कम करें, तो डेवलपमेंट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। सर, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट? कि जो चीज हमको बाहर से लेनी पड़ती है, क्यों ना उसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कराया जाए। और इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने फॉरेन कंपटीशन से भी अपनी इकोनॉमी को कुछ हद तक तो रोक के रखा, फॉरेन कंपटीशन से भी अपनी इकोनॉमी को सेव करके रखा कि हम बाहर के गुड्स को नहीं आने देंगे। जैसे इंडिया भी है, उसने 1991 तक तो किसी बाहर वाले को आना ही नहीं दिया था, है ना बेटा? अगर अपन बात करें तो जो इसमें से एक चीज डिफरेंस थी, चाइना थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज्यादा क्लोज इकोनॉमी मॉडल पे रहा। मतलब वो अपनी चीजें बाहर पहले भी नहीं आने देता और आज भी नहीं आने देता है, मतलब जो अंदर कर रहा है। आप चाइना के अंदर जाके कुछ प्रोड्यूस कर सकते हो, अलग बात है, बड़ी बड़ी कंपनी अपना सेक्टर चाइना के अंदर लगा सकती है, बट चाइना की इंफॉर्मेशन, चाइना की चीजें वो बाहर नहीं आ सकती सर। और इंडिया और पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत सबको अलाउ करा कि आप हमारे देश में आ जाओ, हमारे देश में प्रॉफिट कमा लो। इन्होंने, चाइना ने कभी किसी बड़े देश को अपने देश के अंदर यूं घुसने नहीं दिया। बोले, अगर आप हमारा बेनिफिट कर रहे हो तो घुसने देंगे, नहीं तो आपको घुसने नहीं देंगे। तो सर, क्या ये इंडिया चाइना, अगर अपन बात करें, देखिए ये इंडिया चाइना और पाकिस्तान की कंबाइंड स्ट्रेटजी थी। हाँ बेटा, ये इंडिया चाइना पाकिस्तान की कंबाइंड स्ट्रेटजी थी। अब अगर अपन थोड़ी सी बात करें कि सर, थोड़ा सा इंडिया और चाइना का एक्सपीरियंस करें पहले, अगर आप इसको लिख लो तो मेरे पास। सर, अगर अपन बात करें कि आज की तारीख में इंडिया और चाइना का, थोड़ा सा ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे कंपेयर करते हैं, एक तरफ लिख देता हूँ चाइना और एक तरफ लिख देता हूँ इंडिया, है ना? तो बड़ा मजा आने वाला है। 2017 में चाइना का जीडीपी पाया गया है 12.4 ट्रिलियन ट्रिलियन यूएसडी डॉलर, ट्रिलियन डॉलर चाइना का जीडीपी पाया गया है 12.4 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बस यूएस के बाद। तो यूएस को जलन है वो इसी बात की है कि इसका जीडीपी कितना है, 12.4 ट्रिलियन
12.4 ट्रिलियन। सर इंडिया का कितना है? तो बेटा 2017 में इंडिया का जीडीपी पाया गया 2.44 ट्रिलियन, 2.44 ट्रिलियन डॉलर। और इंडिया एक प्रकार से बात कर ले तो इंडिया का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 1951 से लेके 2017, मतलब जब से भारत को अप्रोक्सीमेट आजादी मिली, वो रहा है 5.9% ग्रोथ रेट। और अगर अपन इसका बात करें, इसका चाइना की बात करें, तो चाइना का अप्रोक्सीमेट 9% ग्रोथ रहा है। हाँ ये बात अलग है कि ये ग्रोथ उसका 1979 से ज्यादा है, 79 से 2017, लेकिन हाँ चाइना का ग्रोथ रेट 9% रहा है, इंडिया का 5.9% रहा है। तो समझने की क्या बात है? समझने की बात यह है कि जिस कंट्री से कभी कभी आप वॉर करने की बात करते हो, उसका जीडीपी हमसे अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट 5 गुना है। हम 2.43 मिलियन डॉलर पे हैं, वो 2.12.4 ट्रिलियन पे है। हम 2.4 ट्रिलियन पे हैं, वो 12.4 ट्रिलियन पे है। इसका मतलब जीडीपी के मुकाबले चाइना इंडिया से 6 टाइम्स है। हम धीरे धीरे गधे की चाल से 5.9% से ग्रो कर रहे हैं और चाइना यही 9% से ग्रो कर रहा है। क्या बात है सर! अगर अपन और बात करें चाइना के बारे में, तो चाइना ने अपनी ग्रोथ, चाइना का जो एक्चुअल ग्रोथ मॉडल है वो शुरू हो गया था 1980s से। मतलब 1980s से उन्होंने को एक ब्रेक थ्रू मिल गया। ब्रेक थ्रू मिल गया मतलब जिससे उनकी इकोनॉमी झनझनाट बन गई। और सर यही ब्रेक थ्रू हमको कब मिला? 1991 में, वो भी जब हम बिकने पे आए, जब हमने एलपीजी लाई, क्योंकि हमने एनईपी लाए, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड बैंक का लोन ही इतना सारा था। तो क्या सर, जो जो चीजें, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपन ने 1991 में शुरू करा, वो चाइना ने कब से शुरू कर लिया था बेटा? 1980 से। कहां से कर रहा था? 1980 से, ठीक है ना? अब इससे वो कैसे चला गया इस पर? यहाँ पे चाइना ने क्या करा, पूरा पूरा पूरी मार्केट इकोनॉमी कर दी। मार्केट इकोनॉमी इसका मतलब जिसको जो बनाना है बनाओ, बस सस्ता बनाओ, अच्छा बनाओ, चीप एंड यूजफुल, चीप एंड यूजफुल। चाइना ने कर दिया एक्सपोर्ट। चाइना का जो पूरा बिजनेस चलता है, चाइना का ये मत सोचना इंडिया वाले से भी लेते हैं, चाइना का पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। चाइना का अपने इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का माल सस्ता होता है, यहाँ का लेबर सस्ता होता है, जो बड़ी बड़ी मशीन में बनने वाले पार्ट है वो भी चाइना में सस्ते बनते हैं। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल भी है और चीप लेबर भी है। तो उन्होंने बोला भैया बाहर का पैसा लाना है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स बनाओ। अपने इंडिया में कभी ऐसा नहीं बोला क्या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड बनाओ, यहाँ पे बोला जाता है स्वदेशी बनाओ, स्वदेशी खाओ। मतलब यहाँ पे अभी मोदी जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, मतलब अपने लिए बनाओ और अपने लिए खाओ। मतलब ये बात सबकॉन्शियस में अभी भी सबको पता है कि एक्सपोर्ट के लायक गुड्स अभी इंडिया के उतने लेवल के नहीं बने। इंडिया आ रहा है आगे, इंडिया आ जाएगा आगे, बट आज भी हम जो गुड्स बनाते हैं वो अपने कंजम्पशन के लिए बनाते हैं, अपनी पॉपुलेशन के लिए बनाते हैं, अपने बल्कि वेट को, अपनी बल्कि वेट को संभालने के लिए बनाते हैं। तो सर क्या बल्कि अपन ये चाइना नहीं? नहीं बेटा, अपन इंडिया की फर्स्ट, अगर अपन लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, फर्स्ट में अपन है, तो सेकंड पे चाइना ही है। अपन लोग मस्त, लोग तो अपन ऐसे पैदा करते हैं जैसे कि हम जानवर पैदा हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन में तो अपन लोग हैं। लेकिन एक बात समझ कि जो इंडिया का एरिया है, अगर मैं तेको बोलूँ इंडिया ये है, अगर मैं तेको समझाऊँ इंडिया ये है, अगर थोड़ा सा अगर ये इंडिया है तो विश्वास मान ये चाइना है। तो सर इसका मतलब क्या, इंडिया इतने से एरिया में इतनी सारी पॉपुलेशन बैठी है, इतने से एरिया में, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी को बड़ी इकोनॉमी के साथ एलिफेंट इकोनॉमी बोले। भारी इकोनॉमी है ये, इसका भारी इतना है, इसके अंदर लोग इतने पड़े हुए हैं कि ये तेज चल ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? नॉट बिकॉज कि वो चल नहीं सकती, बट बिकॉज उसका वेट बहुत ज्यादा है। और ऑन द कॉन्ट्री चाइना की इकोनॉमी को डायनासोर इकोनॉमी बोलते हैं। तो डायनासोर क्यों इकोनॉमी बोलते हैं? कि सर चाइना का वेट तो ज्यादा ही है, डायनासोर का वेट ज्यादा ही होता है, लेकिन चाइना बड़ा भी है। इंडिया का वेट ज्यादा है लेकिन इंडिया छोटा है, इंडिया हाथी है, ये डायनासोर है। तो सर आप ऐसे इसकी तारीफ कर रहे हो, उसकी बुराई नहीं है सर, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मैं तेरे को सिर्फ समझा रहा हूँ कि उन्होंने 1980 से ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच शुरू कर दी। उनके यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई हो गया, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां यूएन लग गई।
आज सारी कंपनियां कोरोना के बाद कहां शिफ्ट हो रही है, इंडिया में। लेकिन 1980 में सारी कंपनियां, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, दूसरी कंपनियां सब कहां शिफ्ट हो गई, चाइना में। चाइना तो क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर फोर्स है। चीप लेबर फोर्स सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पे लोगों को काम बड़े मार मार के कराते। मार मार के मतलब इनका नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं 12 आवर्स। अपने से साला 8 घंटे से ऊपर काम नहीं हो पाया, तुम्हारे पापा मेरे पापा से 8 घंटे से ऊपर काम नहीं हो पाया। और ये क्या करते हैं, चीप लेबर फोर्स के कारण ये फेमस है। ठीक है बेटा। अच्छा इनका क्या था, एक बहुत बढ़िया उन्होंने कहते कैंपेन चलाई जिसको बोलते हैं GLF। GLF का अलग मतलब मत समझना, GLF का मतलब है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड। सर ये कब लॉन्च हुई मेरे बच्चों? ये लॉन्च हुई 1958 में, जिसका पूरा ये मतलब था कि आपका इन्फ्लक्स ऑफ क्या हो, अच्छा खासा इन्फ्लक्स ऑफ क्या हो, FDI। ठीक है ना बेटा। इन्होंने अपने देश में बहुत सारे सेज बना दिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब यहाँ पे आपको टैक्स बहुत कम लगेगा, यहाँ टैक्स फ्री इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है ना। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब यहाँ पे टैक्स बहुत कम लगेगा। आगे क्या, अगर टैक्स कम लगेगा तो सर एक तो यहाँ पे टैक्स बहुत कम लगेगा, यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इजी मिल जाएगी, लाइट फ्री मिल जाएगी, वाटर की इजी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो जब कोई एरिया ऐसा बनता है तो उसको बोलते हैं सेज। उसको क्या बोलते हैं, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है बेटा। 100% इक्विटी उन्होंने क्या करा, जैसे अपना भी अभी तक 100%, अब अपना 100% इक्विटी फॉर दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉर दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सर इसका क्या मतलब हुआ यार, 100% इक्विटी फॉर दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट? तो मेरे प्रिय बच्चों इसका मतलब हुआ कि बाहर वाले अगर अपनी फैक्ट्री आके यहाँ पे खोल रहे हैं तो उसका चाइना को कोई हिस्सा नहीं चाहिए। चाइना आप चाहे तो पूरा अपनी ही कंपनी के हिसाब से, अपनी ही कंपनी के हिसाब से आ सकते हो। इंडिया ने इनिशियली कितनी अलाउ करी थी, 49%। बोले अगर आप इंडिया में आ रहे हो, मारुति को, सुजुकी को बोला तू इंडिया में आ रही है ऐसे नहीं आने देंगे, हमारी मारुति के साथ टाई अप करेगी तो ही देखो आने। होंडा को बोला तू इंडिया में आ रहा है देखो ऐसे नहीं आने देंगे, हमारे हीरो के साथ टाई अप करेगा तो ही आने देंगे। इंडिकॉम को बोला कि तू इंडिया में आ रहा है ऐसे नहीं आने देंगे, हमारा टाटा के साथ टाई अप करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या था कि इंडिया में अगर बाहर से कोई कंपनी आ रही है तो उसको किसी ना किसी कंपनी के साथ टाई अप करना जरूरी था। आया समझ में? सर इंडिया का क्या हुआ, अब इंडिया की भी तो बात करूं। तो बेटा 1991 के बाद अपन ने भी ग्रो शुरू करी, अपन ने भी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करा, बहुत सारी कंपनियां अपने आप ही आने लगी, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करा, अपन ने भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ाया अगर अपन बात करें। ठीक है ना। एफडीआई पे आगे बात करें, और अगर अपन बात करें तो अपने यहाँ पे क्या हुआ कि अपने यहाँ का जो ये रेट है 1991 के पहले पहले जो ग्रेट ग्रोथ रेट 3 से 4% चल रहा था एवरेज, वो तो सीधे जंप करके हो गया 7%। 1991 के बाद की बात कर रहा हूँ, 1991 के बाद की बात कर रहा हूँ, कि ये जो ग्रोथ रेट था 3 से 4% वो सीधे जंप करके 7% हो गया, क्योंकि अपने आप भी अच्छा खासा इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई आने लग गया। तो सर अपने आया, लेकिन बेटा कब से आया, 1991 से शुरू हुआ मतलब अप्रोक्सीमेट 1992 से आया होगा ना। तो मुझे बता अपन 12 साल तो लेट हो गए ना, मतलब अपन चाइना से 12 साल तो पीछे चल रहे हैं ना बेटा। जो चीज चाइना ने 80s में सोची वो अपन ने 1992 में, और वो भी अपन ने सोची नहीं, अपने पे थोपी गई, अपन मजबूरी में इस चीज को लाए। तो क्या सर इसी कारण इंडिया चाइना की इकोनॉमी के ग्रोथ रेट में फर्क है? हाँ यार बेटा। अगर अपन दूसरी बात करें कि इसके बाद और इंडिया में क्या प्रॉब्लम है बेटा, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन इसी कारण क्या होता है, बहुत बार सोशल अनरेस्ट होता है, उसके बाद बहुत सारे दंगे नहीं हुए हैं यार बेटा। सोचना अपना क्या, कास्टिज्म कितना सारा है, हिंदू मुस्लिम ये सब चीजें कितनी सारी हैं। तो सोशल अनरेस्ट, कास्टिज्म, और इंडिया में क्या था कि इंडिया के कुछ और रूल्स भी थे, क्या क्या बड़ी बड़ी मशीन लाओगे तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन भूखी थी, जिसके कारण सरकार पूरी तरीके से टेक्नो सेवी नहीं हो पाई। सर तो टेक्नो सेवी का मतलब, सरकार को किसी ने 2010 में बोला था कि सारी बैंकें पेटीएम समान करा लो। सर सारी बैंकें पेटीएम समान करा लो मतलब सारी बैंकें पेटीएम समान करा लो, इसका मतलब सब ऑनलाइन करा लो। सरकार ने बोला हम ऑनलाइन करा तो लें, लेकिन जो हमारे लेबर है वो कहाँ जाएंगे, जो हमारे लेबर हैं वो कहाँ जाएंगे। तो सर ये बात था। सर तीसरी बात है, हम लोग पॉवर्टी पैरालिसिस अटैक में रह गए।
इसका मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो कोई बहुत रईस देश नहीं था। हम इस गरीबी को अभी तक धो रहे हैं अपने ऊपर, मतलब इतनी गरीबी कि सरकार अपने जीडीपी का जितना हिस्सा उसको डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, जितना नई नई टेक्नोलॉजी में लगाना चाहिए, जितना बड़े बड़े एरिया को बढ़ाने में लगाना चाहिए, उससे ज्यादा वो गरीबों को सब्सिडी देती फील रही है। और गरीबों को अगर सब्सिडी ना मिले तो गरीबों जी कैसे, गरीब जी। और उसके बाद सर इंडिया का जो बात वो थी, इंडिया में करप्शन बहुत ज्यादा है। चाइना में करप्शन नहीं, चाइना में जो किंग बोलेगा वो चलेगा, भले वहां पे डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां पे ऑटोक्रेटिक है, लेकिन अपने नाम खराब था, रेड टेपिज्म, स्कैम्स एंड स्कैंडल। तुमको क्या लगता है, इंडिया बहुत गरीब है? नहीं यार, जाके स्विस बैंक में जितने नेताओं के पैसे ले आओ, चाइना से वॉर तय किया, इनके पैसे जीत जाएंगे। इसका मतलब चाइना से वॉर अगर कोई करना है, या मैं अगर आपको बोलूं एक एक नेता के हाथ में कम से कम 1500 से 2000 करोड़ रुपए निकल जाएंगे। अरे 2000 करोड़ कभी सोच रहे हो? 1 करोड़ से ऊपर तो अपन कभी देख नहीं पाते। 2000 करोड़ अगर एक नेता के हाथ में है और ऐसे 50 खाते हैं, तो बेटा ज्यादा की बात नहीं, 1 लाख करोड़ रुपया अपना स्विस बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, कौन लेके आएगा उसको? सर ये आप ऐसी बात कर रहे हो, मुझे पता 50 लोग कम बोलेगे, गिनवा दो तो गिनती पे, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो इसका नडेला हो, ये चाहे वो मोदी हो, कोई भी हो। तो क्या सर इतना पैसा अपना स्कैम्स और स्कैंडल्स के कारण बाहर पड़ा हुआ है? हाँ बेटा, इस कारण अपना देश के अंदर चीजें, अपने आप कोई भी आती है एफडीआई, अपन पहले उससे पैसे मांगते हैं, हमको कितना मिलेगा, हमारा कितना कमीशन है। तो बहुत सारी कंपनीज अपने आने से ही डरती है, क्योंकि बोलते हैं यहाँ पे सारा स्कैम्स हैं, स्कैंडल्स हैं, यहाँ पे सारा पैसा पहले खिलाना पड़ेगा। तो ये सब चीजों के कारण इंडिया की जो पॉलिटिकल छवि है वो थोड़ी सी बेटा कंपेरेटिवली खराब है ना बेटा। अपने यहाँ था हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब अपने यहाँ कोई चीप लेबर मिल रहा था? नहीं, अपने यहाँ लेबर की कॉस्ट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अपने यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा था। अगर दाल आटा चावल महंगा होगा, तो उसको पूरा करने के लिए लेबर भी महंगा होगा, उसको पूरा करने के लिए चीजें भी महंगी होगी, तो अपने यहाँ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी था। सर जैसे जैसे एफडीआई अपने इनिशियली पहले पहले आना शुरू हुई, लेकिन जैसे ही देखा ना इतना करप्शन है वो समय, इसके कारण इंडिया की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन रह गई कंपेयर टू चाइना टिल 2005। तो सर ये